क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से दिल्ली में की मुलाकात। गाजियाबाद में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, नगरपालिका के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। रायबरेली में दिखा दबंगों का कहर, दो लोगों की जमकर पिटाई। गाजियाबाद में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। लखीमपुर के पलिया में हुआ बड़ा सड़क हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत। देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं सैफई में अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार नेताजी की समाधि पर उन्हें पुष्प अर्पित करने पहुंचा और श्रद्धांजलि दी। नेताजी की जयंती पर सपा और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी उन्हें नमन किया। इस मौके पर नेताजी को याद करते हुए कई जगहों पर लोगों को खाना खिलाया गया और जरूरत की चीजें बांटी गई। रायबरेली में एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारस होटल के पास एक कार सवार लोगों ने लोडर चालक व क्लीनर को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने मारपीट का विरोध किया तो दबंग हमलावर उन पर भी झपटे, लेकिन तब तक मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे चारों दबंगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। वहीं ड्राइवर व क्लीनर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और इनकी गाड़ी इस साइड के बीच में खड़ी थी। अब उधर से ट्रक वाला आ रहा था। अब एकदम बीच में हमने दबाने के लिए बढ़ाए गाड़ी, बस एक गेट में लग गया। बस उतरे हो, उतरने के बाद बस मारना स्टार्ट कर दिया। हमारा कंडक्टर था साथ में पल्लेदार, उसको भी मारा 4-5 हाथ, उसके बाद हमको भी मारा। और मारने के बाद हम उनसे हाथ गोड़ भी जोड़ रहे हैं, भैया छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो होगा दिया जाएगा नुकसान। बस एक नहीं पूछते, बस जहाँ पाते हैं वहीं पे मारते हैं। नाक से भी मारा, मुंडा से भी मारा, हर तरह से मारते हैं। सर बताओ कितना, कोई छोड़ाने वाला नहीं। जय बार छोड़ाते तय बार वो मारने आता। लखीमपुर में पलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने आने वाले गांव पलिया रोड पर अतेरिया के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार में बैठे सभी लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 शिक्षक बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेते हुए दुख प्रकट किया, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को सभी हर संभव मदद देने के आदेश दिए। ये हम लोग शाहजहांपुर से बैठे, फिर आगे यहाँ पलिया के आगे रोड कटा था, गाड़ी ड्राइवर सो गया, नहीं जाने का हुआ, गाड़ी पलट गया तो हम बड़ी मुश्किल निकल पाया, बिना तो ठोर मर गया भैया। कितने लोग थे लगभग गाड़ी में? गाड़ी में 11-12-13 आदमी थे, 5-6 तो मर गए। अच्छा। सब मिला करके। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुखनपुरा के रहने वाले हैं। और लोग कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं? और हमारे एक बहनोई है, मजगई के रहने वाले हैं, 2 लोग हम अपने घर के थे, वो आ रही थी, पता नहीं ड्राइवर सो गया जाने क्या, और गाड़ी एकदम अचानक में पलट गई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में होते 15-16-17 आदमी। कहाँ के रहने वाले थे ये सब लोग? सब जहाँ तहाँ के थे। अच्छा, कितने लोगों की मृत्यु हो गई इसमें? सर 5 आदमी खत्म हुए हैं। ऐसे
गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वाहन डिपो पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए। बता दें कि नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता मदन पाल और जय भगवान शर्मा पर मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक अवर अभियंता के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई। सबसे पहली बात, जो चाहे वो हमारी पंचिंग काट देता है, जो चाहे वो हमें हर चीज से दबाता है, है? दूसरी चीज साहब, जो चाहे वो हमें पीटता है। आज किस चीज को लेकर आज का मुद्दा साहब ये है, हमारा एक कर्मचारी सुबेरी अपनी हाजिरी लगाने के लिए आया तो उसको उसके सुपरवाइजर ने कहा कि भाई एक काम कर, यहाँ पे पंचिंग नहीं है, पंचिंग वाहन डिपो पे है। ठीक है साहब, मैं वहीं था वाहन डिपो पे, वो आया पंचिंग लेने तो साहब वो उससे पंचिंग नहीं दिखी, उन्हें ढूंढा। अब जय साहब आए हुए थे, वो नया कर्मचारी, उसे पता नहीं जय साहब कौन है। उसने देखा कि यार दो चार कर्मचारी बंदे जो हैं उनके आगे पीछे घूम रहे, तो कोई अधिकारी होगा। वो साहब एक साइड सोफे में गया और जाके बैठ कर उसने फोन काटा और सुपरवाइजर को कॉल करने लगा। जय साहब ने आया के चपत मारा था, मैं सोफे पे जाकर बैठा, मैं पंचिंग मशीन लेने आया था यहाँ से टंकी पर। सर किसने भेजा था? आकाश भैया ने, सुपरवाइजर। कौन से चाहिए, क्या नाम है उनका? मदन पाल। तो क्या पूरा मामला, पूरी घटना क्या थी, बताइए पूरी। साहब मैं पंचिंग मशीन लेने आया, मेरा फोन निकाल के मैं सुपरवाइजर को कॉल करने लगा, आती जय साहब आए एकदम चपत मार दिया मेरे। और गाजीपुर में कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सिदूत गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ तो वहीं दूसरा अपराधी फरार हो गया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी पर 10 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं पुलिस ने अपराधी के पास से मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। कासिमाबाद इंस्पेक्टर को यह सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। पिछले दिनों जो एक दो लूट की घटना जनपद गाजीपुर में हुई थी, पुलिस निरंतर बदमाशों की सघन चेकिंग और उनकी निगरानी कर रहे थे। उसी में एक इनपुट ये भी मिला था, इस पे पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान स्वाट टीम भी अपना इधर ही, क्योंकि बदमाशों की सूचना पे इधर आई हुई थी, यहीं एक्सप्रेस हाईवे पुल के नीचे कासिमाबाद क्षेत्र में इंस्पेक्टर कासिमाबाद अपनी पूरी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। गाजियाबाद में लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक घर में मृत अवस्था में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिला है। वहीं वारदात की सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति की गला घोटकर हत्या की गई है। सुबह जब 7 बजे उठे तो मेरा पापा बिल्कुल नंगा पड़ा हुआ था। जब मम्मी को नहीं मिला, हम सोचे क्या पता मम्मी कहीं गया हो। बाद में जाकर मम्मी को बाहर मिला, फांसी लगा हुआ। पापा घर में पड़ा हुआ, मम्मी बाहर पड़ा हुआ। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं बराबर में, अंदर में मेरा रूम है। लेकिन हमें यह नहीं पता लगा कैसे क्या हुआ। तो सुबह मैं दूध लेने जा रही थी, जब देख रहा मेरा पापा नंगा पड़ा, मैं कह रहा मेरा पापा बीमार इंसान है, ऐसे नंगा क्यों पड़ा हुआ। जब जाके मैंने उठाने लगी, पापा उठो ना, पापा उठो ना। कितने बजे पता लगा आपको? मेरे को पता लगा 6-7 बजे करीब। मैं दूध लेके जब आ रही थी, जब पता लगा मेरा पापा ऐसे ही पड़ा था नंगा बिल्कुल, तो मैं कह रहा पापा उठो ना, तुम नंगा क्यों पड़ा, ऐसे ही तुम्हारी तबीयत खराब है। तो देख रहा पापा तो मेरा था ही नहीं, तो पापा उठेगा कहाँ से। मैं उसको सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास, 112 का माध्यम से एक मोहल्ला में दो बुजुर्ग संपत्ति लोग का गला दबा के हत्या हुआ। और घटनास्थल पर मैं मौके पर आया हूँ, हमारे अधिकारी लोग सभी लोग मौके पर आए, सब देखा है, घटनास्थल निरीक्षण किया है। उस पर मोटी तो लग रहा है, मेनली हत्या लग रहा है, वहाँ पे कोई सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। इन लोग दोनों बहुत गरीबी है, इन लोग कबाड़ का काम करता है, और बाकी सब चीज़ हम जांच करवा रहे हैं, क्या कारण मोटिव क्या है सब वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी घर के अंदर सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है, उस पर कोई तित्र बितर दिखा नहीं पड़ रहा, केवल एक छोटा से कमरा है उस पर उन लोग रहता था, और बगल में कबाड़ का सामान पड़ी है और सब चीज़ सही इसी हालत में पड़ा है। केवल
रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौराहा स्थित रिफॉर्म क्लब के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग कार का गोला बन गई। इस घटना में राहगीरों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इसके साथ ही इस मामले में अग्निशमन विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। रायबरेली बछरावा कोतवाली क्षेत्र के बहादुर नगर में बाजार में से घर जाते समय बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। इसके साथ ही कुत्ते और कई लोगों पर हमला किया। इसमें बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह से 4-5 लोग आए हैं अलग अलग जगह से। कुछ लोग बहादुरपुर से आए हैं, कुछ एंगल से। बताया गया कि एक पार्क कुत्ता है जिसने कई लोगों को काटा है, उसमें कई बच्चे भी हैं। 6-7 लोग यहाँ बछरा में आ चुके हैं, जिनको प्राइमरी एड दे करके उनको जो है इंजेक्शन लगवाया गया है। और ज्ञात हुआ है कि उस पागल कुत्ते को मार भी दिया गया है। आगे अभी शाहजहांपुर में थाना कटरा क्षेत्र के छगड़ापुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ये ग्राम छगड़ापुर पड़ता है थाना कटरा में, वहाँ कब्जे में है। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि राम भरन नाम है जो मृतक है, वो अपने खेत पे नींव भरने के लिए गया था और नींव भरी भी जा रही थी पहले से, तो उन्हीं के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उनके द्वारा इसका विरोध करके उनको लाठी से पीटा गया, जिससे उनको अस्पताल ले जाकर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने पर जो वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अधिकारियों को पंजीकृत कर लिया गया। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रोड पर देर रात स्कूटी सवार शाहिद को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हमला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कानपुर में विधनु थाना क्षेत्र के न्यूरी गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बीती 9 नवंबर को रात को न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी। चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा उठा ले गए। इसी मामले में छानबीन कर रही पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर बरामद की है। दस तारीख को थाना क्षेत्र बिजनू की न्यू आजाद नगर चौकी पे चौकी से ही पिस्टल चोरी होने की घटना जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट से इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसी क्रम में कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई जगह पे सर्च भी हुए थे। एक व्यक्ति जो शेखू है और उसके साथी, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी और उसने यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में पुलिया के नीचे उस पिस्टल को छुपा के रखा था। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।